हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इट सेज स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पार्ट ए। पार्ट बी इज द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द सर्कुलर लूप ऑफ वायर्स 12 सेंटीमीटर इन रेडियस एंड 8.5 ओम इन रेजिस्टेंस चेंजेस विद टाइम एज शोन इन द फिगर। द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। कैलकुलेट द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप एंड प्लॉट इट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सी पार्ट इज शो दैट लेंस लॉ इज अ कंसीक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो तीन पार्ट्स हैं। पहले हमें फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताना है, दूसरे पार्ट में हमें मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट इंड्यूस बताना है लूप में से कितना होगा, थर्ड पार्ट में हमें शो करना है कि जो लेंथ लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रिजल्ट। सो फॉर सॉल्विंग फर्स्ट पार्ट जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडेज लॉ, सो सबसे पहले तो फैराडे ने दो इम्पोर्टेंट लॉ दिए हैं। फर्स्ट इज फर्स्ट लॉ जो कि ये कहता है कि लेट मी राइट फर्स्ट लॉ। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, जब भी कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा किसी क्लोज सर्किट में तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगी सर्किट में। और ये जो लॉ है ये क्वालिटेटिव है, ये केवल करेक्टरिस्टिक्स बताता है कि इंड्यूस ईएमएफ कैसी होगी। लेट से कि ये एक कॉइल है और इसको हमने गैल्वेनोमीटर से अटैच कर रखा है सो दैट जो भी इसमें इंड्यूस ईएमएफ की वजह से करंट हो वो डिफ्लेक्शन के थ्रू पता चल जाए, ठीक है। और ये मैग्नेट है, लेट से ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। और हम मैग्नेट को मूव कर रहे हैं, तो इस मैग्नेट को मूव करके हम क्या कर रहे हैं, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। सो यहाँ पे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज 5P जो कि किसी भी क्लोज लूप सर्किट में ऑब्जर्व होगा। इस केस में जब हम मैग्नेटिक फील्ड को मैकेनिकली आगे पीछे शिफ्ट करेंगे तो फ्लक्स में चेंज होगा और ईएमएफ इंड्यूस होगा। दिस विल इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। सो इस केस में हमें ये पता चलेगा कि ईएमएफ की करेक्टरिस्टिक क्या है, किस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट फ्लो हो रहा है जब हम मैग्नेट को आगे ले जाते हैं और इफ वी मूव द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल, ठीक है। और सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, जो भी पर्टिकुलर लेट से जो भी मैग्नीट्यूड है इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो सर्किट में प्रोड्यूस होगा वो प्रोपोर्शनल होगा कि कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है। ये जो लॉ है ये मैग्नीट्यूड बताता है ईएमएफ का कितना इंड्यूस होगा, इसलिए ये क्वांटिटेटिव लॉ है। इसके अकॉर्डिंग जितना भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है क्लोज लूप कॉइल में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है जो भी कॉइल के साथ लिंक है, तो ये हमें बताता है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं 5E इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया होता है। और अगर हम डिफरेंशियल लेते हैं लेट्स से d by dt देखते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, एरिया इनटू dB/dt प्लस मैग्नेटिक फील्ड इनटू dA/dt। इट डिपेंड्स कि अगर जो लूप का एरिया चेंज करके मैग्नेटिक फ्लक्स को इंड्यूस किया जा रहा है या फिर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, तो ये दोनों ही टर्म यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं। तीसरा केस भी पॉसिबल है जब हम एंगल को चेंज करें, ठीक है। सो इन शॉर्ट फैराडे के ये दो लॉ हैं जिसमें से पहला हमें बताता है कि चेंज अगर हम करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। दूसरा लॉ ये बताता है कि ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के, और इसे हम मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं ईएमएफ इंड्यूस का। सेकंड पार्ट बी इज मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप में हमें दिया गया है जो कि सर्कुलर लूप का रेडियस 12 सेंटीमीटर है और रेजिस्टेंस 8.5 ओम है, और हमें बताना है कि इंड्यूस करंट कितना होगा। सो फॉर पार्ट बी, एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस दिया गया है r, r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर
और हम इसे लिख सकते हैं 12 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। और हमें दिया गया है रेजिस्टेंस, लेट से इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये स्मॉल आर है और कैपिटल आर रेजिस्टेंस डिनोट कर रहा है जो कि है 0.85 ओम, ठीक है, 8.5 ओम, 8.5 ओम। सो यहाँ पे हमें क्या बताना है, इंड्यूस्ड करंट कितना होगा, लेट से यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो है फैराडे लॉ ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बी पार्ट में जो की कॉन्सेप्ट है वो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस केस में हम ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो यहाँ पे सेकेंड लॉ वैलिड होगा। सो अकॉर्डिंग टू ईएमएफ विच इज रेट ऑफ नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ डी फाई बी बाई डी टी होता है, और जो फ्लक्स है मैग्नेटिक फ्लक्स वो कितना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। सो ई एम एफ इज इक्वल टू एरिया माइनस एरिया इंटू डी फाई बी बाई डी टी। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है और एरिया कॉन्स्टेंट है, तो हम ई एम एफ को इस टर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ एरिया कितना आ जाएगा, एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हो पाई आर स्क्वायर से, जो कि है 12 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं, ईएमएफ इज इक्वल टू पाई 12 इंटू 10 टू द पावर -2 होल स्क्वायर एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब हम इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो ये ग्राफ क्या है, 0 से 2 सेकंड में इंक्रीज हो रहा है, 2 से 4 सेकंड में कांस्टेंट है और बाकी के 2 सेकंड में रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आएगा डी बी बाई डी टी विद अ नेगेटिव साइन। तो सबसे पहले हमें डी बी बाई डी टी के कर्व को ध्यान से देखना होगा। तो ये प्लॉट हमें दिया गया है, ठीक है, ये 2 सेकेंड है, ये 4 सेकेंड है और ये 6 सेकेंड है, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस टाइम। सो डी बी बाई डी टी इस कर्व में क्या होगा, इस कर्व का स्लोप होगा। ये अगर कर्व से देखा जाए तो ये चीज क्या होगी, स्लोप। सो इन द फर्स्ट केस देखते हैं, जब टाइम है 0 से 2, तो इस केस में जो स्लोप होगा थीटा कितना होगा, डीबी बाय डीटी, ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस केस में ये वैल्यू क्या दे रखी है, 1 टेस्ला, तो ये टेस्ला में गिवन है, तो ये हो जाएगा 1/2। फॉर सेकेंड केस, जब टाइम जो है 2 से 4 सेकेंड्स के बीच में है, तब डी बी बाई डी टी क्या है, 0, क्योंकि यहाँ पे स्लोप जो है स्ट्रेट लाइन का 0 है। अब थर्ड केस जो है जिसमें टाइम पीरियड 4 से 6 में चेंज हो रहा है, उस केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, -1/2। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो एंगल है ये नेगेटिव है, ये स्लोप जो है ये नेगेटिव है, तो यहाँ -1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इस इन वैल्यूज को पुट करते हैं। सो ईएमएफ इन फर्स्ट केस इज इक्वल टू पाई इंटू 144 इंटू 10 टू द पावर -2 -4 इंटू डीबी बाई डी टी का फर्स्ट केस जो कि है 1/2। सो इस केस में आएगा, सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू होगी 226.08 इंटू 10 टू द पावर -4। तो ईएमएफ, ठीक है, ये वोल्ट में होगा। फॉर इंड्यूस्ड करंट I1 जो कि होगा E1 अपॉन R, R यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो कितना हो जाएगा 226.08 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस जो कि है 8.5 ओम। 8.5 ओम दिया गया है। सो I1 इज इक्वल टू 26.59 इंटू 10 टू द पावर -4, जिसे हम लिख सकते हैं 2.659 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। और I1 इज इक्वल टू 2.66
मिली एम्पियर। ओके, तो ये आ जाएगा फर्स्ट केस। यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि जो ईएमएफ है फर्स्ट केस में हमने यहाँ देखा था माइनस माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आएगा और ये फर्स्ट केस है। ठीक है, इसी तरीके से हम सेकेंड केस ईएमएफ निकालते हैं। ई टू इज इक्वल टू माइनस फाइव इंटू 144 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 0। यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, डीबी बाई डी टी 0, तो ये ईएमएफ यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो आई टू इज इक्वल टू ई टू अपॉन आर, ये भी 0 हो जाएगा, 0 मिली एम्पीयर। ये हो गया सेकेंड केस। अब थर्ड केस अगर हम देखें, सो थर्ड केस में ई थ्री इज इक्वल टू 1 पाई इंटू 144 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 डीबी बाई डी टी। यहाँ पे माइनस टू है, माइनस 1/2 है, तो यहाँ कैलकुलेट करने पर आएगा माइनस 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 10 हो जाएगा क्योंकि ये भी नेगेटिव है और यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है। तो 220 सेम रिजल्ट आएगा, 226.08 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर हम ई आई थ्री देखें तो वो क्या हो जाएगा, ई थ्री ओवर आर, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 226.08 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, जो कि कितना है, 8.5 ओम्स। इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव 2.66 मिली एम्पियर। ये है थर्ड केस। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहा गया है, तो इसका कर्व जो होगा वो कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा। तो ये है इंड्यूस्ड करंट वर्सेस टाइम। तो यहाँ पे पहले केस में जो करंट आ रहा है वो नेगेटिव है, सो नेगेटिव माइनस 2.6 मिली एम्पियर करंट जो है वो मिली एम्पियर में है और 0 से 2 सेकेंड के लिए। तो ये स्ट्रेट लाइन होगी क्योंकि ये कांस्टेंट है फॉर द टाइम बीइंग। नेक्स्ट 2 से 4 सेकेंड के लिए ये 0 है और 4 to 6 सेकेंड्स के लिए ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव 2.6 मिली एम्पीयर। तो ये प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी केवल। तो फर्स्ट स्ट्रेट लाइन यहाँ होगी, देन यहाँ होगी और फिर पॉजिटिव 2.6। तो ये जो प्लॉट होगा ये है इंड्यूस ईएमएफ वर्सेस करंट का। अब जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, सी पार्ट, उसमें हमें बताना है कि जो लेंस लॉ है वो कंसिक्वेंस है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। यहाँ पे हमें थर्ड केस में ये प्रूव करना है कि जो लेंस लॉ है ये क्या है, रिजल्ट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे सबसे पहले लेट से एक कॉइल अज्यूम करते हैं। तो ये कॉइल है जो कि गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है, ठीक है, और ये एक मैग्नेट है जिसको हम मूव कर रहे हैं। लेट से ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का और ये साउथ पोल है, ठीक है। तो ये कॉइल एस है, जब हम नॉर्थ पोल वाले फेस को मैग्नेट को मूव करेंगे टुवर्ड्स द कॉइल, तो जो कॉइल है उसके राइट फेस पे, लेट से ये राइट फेस है और ये लेफ्ट फेस है, ठीक है। तो जब पहला केस हम लेते हैं, जब मैग्नेट जो है वो मूव टूवर्ड्स द कॉइल एस, टूवर्ड्स कॉइल एस, तो इस केस में जो राइट फेस पर कॉइल कॉइल एस के राइट फेस पर जो पोलैरिटी प्रोड्यूस होगी वो भी नॉर्थ पोलैरिटी होगी। इट मीन्स जो करंट फ्लो करेगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो इसकी वजह से जो नॉर्थ नॉर्थ आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे और हमें मैकेनिकल वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है। यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, अगेंस्ट फोर्स ऑफ रिपल्शन। इसी तरीके से जब हम सेकेंड केस कंसिडर करते हैं, मतलब जब हम इस कॉइल को, इस मैग्नेट को पीछे की तरफ ड्रैग करेंगे, दूर ले जाएंगे कॉइल ऐसे, तो
मैग्नेट मूव अवे। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि जो कॉइल है उसके अगेन राइट फेस को ही ऑब्जर्व करेंगे, राइट फेस पर क्या होगा, साउथ पोलैरिटी डेवलप होगी। ठीक है, साउथ पोलैरिटी, इसकी वजह से जो करंट होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और अब अज्यूम कीजिए यहाँ पे साउथ पोलैरिटी प्रोड्यूस हुई है, तो नॉर्थ और साउथ पोल आपस में अट्रैक्ट करेंगे, तो हमें मैकेनिकल वर्क डन करना पड़ेगा मैग्नेट को दूर अगेंस्ट दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा ये अगेंस्ट दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, अगेंस्ट दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये एक केस होगा। इस केस में यहाँ पे क्या है, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसलिए यहाँ पे क्या है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो हो रहा है। तो दिस इज द आंसर, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।